जी बहन कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिता चौधरी। मैं हूँ हर्षिता। तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारे ससुराल। तो मैं सुबह जल्दी से उठ चुकी हूँ, जल्दी से हम लोगों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि बस से जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब भूख भी लग जाती, तो खाना वाना हम लोग थोड़ा सा खा के भी चले जाते हैं और थोड़ा सा पैक करके भी ले जाते हैं। तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि गाँव नहीं जाते हो, ससुराल नहीं जाते हो, ससुराल जाने में टाइम खराब होता है। सो उनके लिए है एक खुशखबरी, तो मैं बता देती हूँ कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ क्योंकि अब वहाँ पर पूजा हो रही है तो मैं जा रही हूँ। मतलब अब टाइम की बात ये थी, यहाँ पर हम फ्री तो रहते नहीं हैं, यहाँ पर भी हमारा काम चलता है, यहाँ पर हम काम करते हैं। तो काम के बीच में अगर फालतू बिन मतलब में जाना हुआ तो उसको टाइम खराब कहना बोलते हैं, तो इसलिए मैंने ये बोला था। तो कई लोगों ने नोटिस किया इस बात को, चलो अच्छा है कि बहुत कुछ बात को नोटिस तो किया मेरी। ठीक है, सो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम भी होने वाला है। वैसे मैं बहुत जल्दी उठ तो चुकी हूँ आज, बट फिर भी मतलब टाइम हो ही जाता है। सो बहुत एक्साइट भी हूँ मैं ससुराल जाने के लिए। बहुत मतलब शायद 2-3 महीने बाद ही जा रही हूँ, नहीं ज़्यादा ही 4 महीने बाद जा रही हूँ क्योंकि अब मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं करती हूँ और मेरे पेरेंट्स आते हैं, आई मीन सास ससुर आते हैं, तो उन लोगों के साथ भी ब्लॉगिंग नहीं होती है मेरी। तो आप लोगों को यही लगता है कि वहाँ से ना हम लोगों को लेना देना कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लोग आते जाते रहते हैं, उनके यहाँ पर दवाई वगैरह या कुछ भी काम रहता है तो उन लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो इस कारण से हम लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पर काम भी चलता है। फिर जाने आने में हमारा ना काम का बहुत ज़्यादा ही क्या बोलूँ मैं हम लोगों से, तो इस कारण से हम लोग ज़्यादा नहीं जाते। फिर काम में भी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि काम हमारा हम ही लोग करते हैं, घर से ही हमारा बिजनेस चलता है, बिजनेस तो घर से ही हमारा काम चलता है, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा काम पे फर्क पड़ता है, इस कारण से नहीं आना जाना ज़्यादा हम लोग करते हैं। और पेरेंट्स तो हमारे आते ही जाते रहते हैं तो मिलना तो उनसे हो जाता है। जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर अभी सब लोग सो रहे हैं, फिर सब लोग उठ जाएंगे, फिर जल्दी से हम लोग नाश्ता करके रेडी होकर हम लोग फिर निकलेंगे हमारे घर के लिए। फटाफट कर लेते हैं काम। ग्रंट ग्रंट, हाँ देखो, हाय करो, जा रहे हो? नानी दादी क्या बोल दो, बोलो दादी, बोल दो दादी, दादा बोल दादा जी। मम्मी आप थक गए? बहुत थक गया ना, बहुत ज्यादा थक गए, वो गम्मी भी लग रही है आपको, भूख आई? थक गया। तो हम लोग आ चुके हैं, अब गाड़ी आई थी तो हम गाड़ी में बैठ के घर जा रहे हैं क्योंकि बस है जो घर तक नहीं जाती है, वो बहुत 1-2 किलोमीटर समथिंग रुक जाती है, वहाँ से फिर हम लोगों को गाड़ी बुला कर जाना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई पर मज़ा भी आया क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं थी, थी थोड़ी बहुत थी। और हम लोग घर आ चुके हैं और ये मेरी मम्मी है यानी कि सासू माँ है जो कि जब घर जाते हैं तो ऐसा करते हैं, नज़र उतारते हैं पानी से, सो वो हो रहा है और गंद भी बैठा है मेरे साथ में और मैं भी हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो वो दिन तो हमारा निकल गया जिस दिन हम आए थे,
शाम ही 6 बज गए थे हम लोग घर आते आते, तो कोई ब्लॉगिंग नहीं की। ये है हमारा दूसरा दिन। क्योंकि दिन तो बहुत ही प्यारा कुर्ता पजामा पहन के मस्ती कर रहा है और खेल रहा है। तो ये दूसरे दिन का लुक है मेरा, लुक पूजा है आज के दिन। और यहाँ पर सब लोग हैं। वैसे मैंने ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं की क्योंकि हमारा तीसरा दिन। हम कहाँ घूमी करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पापा को देखने ग्रंथ के, और क्या देखने जा रहे हैं? पान देखने जा रहे हैं। यस, पापा को देखने। पापा आरोही दीदी, आपको मालूम है ना पापा कहाँ है पापा ग्रंथ के? ओके ओके। चाचा कौन सा चाचा? कौन चाचा का नाम लो पहले। किस चाचा के पास जाना है आपको? बिक्की चाचा। बिक्की चाचा के पास जाना है। तो आज हमारा तीसरा दिन था गांव में। तो 2 दिन हम लोगों को हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारे गांव में ना एक पहाड़ में, थोड़ा सा पहाड़ है, वहाँ पर पहाड़ में ना एक बहुत अच्छा मंदिर है माता रानी का है। और जरा सा आगे मंदिर है हनुमान जी का, गणेश जी का है। सो हम लोग मंदिर आए हुए थे और यहाँ से हमारे गांव का पूरा व्यू दिखता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी पतझर का टाइम चल रहा था तो पत्ते वगैरह नहीं थे मंदिर में। और मेरा ये न्यू फ़ोन से वीडियोस मैं बना रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियोस बनी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये लोकेशन बहुत प्यारी लग रही है और सच में ये बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ का। ऐसा नहीं कि मोबाइल में इतना सुंदर लग रहा, वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि 5-6 बजे का टाइम था। उस टाइम तो अच्छा ही लगता है। तो हम लोग मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए। तो छोटा सा पास में एक और मंदिर, हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। तो ग्रंथ की तो भाई कार जहाँ देखो वहीं चलने लगती, क्योंकि हमारे ग्रंथ को कार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ग्रंथ की कार चल रही थी, उसकी वीडियोस बन रही थी, फिर मैं भी थोड़ा सा ग्रंथ के सामने मस्ती करते करते थोड़ी सी वीडियोस बना ली है। क्योंकि मैंने सोचा टाइम और मौका बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो उसको गंवाना नहीं चाहिए। और मेरा ग्रंथ भी खुश था और वीडियोस बनाने वाले भी खुश थे, सो मैंने वीडियोस भी बना ली। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा, और बहुत ज़्यादा मस्ती भी की। वैसे मैं, ग्रंथ के पापा ही और मेरा भाई आया था, क्योंकि एक ही बाइक थी और यहाँ पर गाड़ी से आना पड़ता था और बहुत ज़्यादा चढ़ाव है, सो आने में ज़्यादा लोग आ नहीं पाते इस कारण से। तो यहाँ पर हम लोग फिर एक और पास मंदिर आए हैं, ये भी पहाड़ में है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, जो भी प्रसाद लेकर आते सब लोग उनके प्रसाद छीन के खा लेते हैं। तो उनको देखने में डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। और ये मंदिर है छोटा सा, बहुत ही पुराना मंदिर है ये गांव का। तो जब भी हम गांव आते हैं यहाँ पर हमेशा आते हैं। सो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। एंड कई लोग जो मेरे को कमेंट करते थे कि गांव नहीं जाते हैं, तो उनके लिए भी बता दूँ कि मैं गाँव आके घूम चुकी हूँ। सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर तो जाइएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।